हाय, क्विक रिव्यू करते हैं रॉयल इनफील्ड के न्यूली लॉन्च हंटर 350 का। तो फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट लुक इसका ऐसा आने वाला है, ऊपर से आपको काफ़ी यूनिक और रॉयल लुक में रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, जहां पर ब्रांडिंग भी रॉयल इनफील्ड का क्या हुआ मिलेगा। फ्रंट में छोटा सा आपको ब्लैक कलर में विंड ब्लास्ट मिल जाता है, इसका हेडलैम्प राउंड शेप में दिया गया है हैलोजन लाइट के साथ, ऑरेंज बल्ब के साथ ये आ जाता है साइड इंडिकेटर, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए। फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा 41mm फोक के साथ और रबर ग्रिप के साथ आ जाता है, और इसका मडगार्ड आपको ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लैक में। टायर इसका ट्यूबलेस टायर दिया गया है MRF ब्रांड का, इसका साइज आता है 110x70 इंच डायमीटर में, व्हील अलॉय व्हील आ जाता है, स्पोक्स का डिजाइन कुछ ऐसा मिलने वाला है। और ये बाइक जो है डुअल चैनल एबीएस के साथ आने वाली है। फ्रंट डिस्क आपको 300mm में मिलेगा, वेंटिलेटर इस तरीके से कैलिपर आ जाता है इसका फाइबर का, और कॉर्नर रिफ्लेक्टर दोनों साइड से दिए गए हैं। और इसके फ्यूल टैंक साइड आ जाते हैं, तो फ्यूल टैंक इसका आपको सिंगल टोन कलर मिलेगा, सिल्वर ग्रे में मिलने वाला है। फ्यूल लिड आपको क्रोम फिनिश में दिया गया है, साइड में देखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्रेस मिलेगा कि राइडर का ग्रिप बराबर बना रहे टैंक के साथ। और ये आ जाता है स्टिकर वर्क में रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ, कंपनी फिटेड लेग गार्ड, साइलेंसर आ जाता है ये ब्लैक फिनिश में इस तरीके से। बाकी यूटिलिटीज वगैरह आपको फुटेज और ब्रेक पैड यहाँ से मिल जाता है, और सेंटर में आपको स्टिकर वर्क में रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लिखा हुआ मिलेगा। और पीछे आ जाते हैं, रियर टायर आपको थोड़ा वाइडर मिल जाता है, और टायर का आप ऊपर से डिजाइन देखेंगे तो इस तरीके से बना हुआ है कि इनफैक्ट किसी भी सरफेस पर बहुत ही कम्फर्टेबली स्मूथ राइडिंग होने वाली है। और इसका साइज आता है 140x70 इंच डायमीटर में, और रियर डिस्क का साइज मिलेगा आपको 270mm में, और पीछे कैलिपर भी आपको फाइबर का मिलने वाला। रियर सस्पेंशन देखते हैं, 6-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। और रियर सेक्शन का लाइट वगैरह देखेंगे तो इस तरीके से राउंड शेप में टेल लैम्प मिल जाता है रेड कलर में, ये आ जाते हैं साइड इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए, और ये बैकरेस्ट, बैकरेस्ट के पीछे आपको रॉयल इनफील्ड का भी ब्रांडिंग मिलेगा। और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये आ जाता है इसका सारी गार्ड इस तरीके से, या ग्रिल बोल सकते हैं। और लेफ्ट साइड का भी ओवरऑल डिजाइन आपको सेम ही मिलने वाला है, इसमें साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों मिलते हैं, साइड स्टैंड क्राफ सेंसर दिया गया है उसमें सेफ्टी के लिए। और इसका इंजन यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का इनबिल्ट ब्रांडिंग भी किया गया है। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड SOSC, डिस्प्लेसमेंट 349.34 cc, मैक्सिमम टॉर्क 27 Nm एट द रेट 4000 RPM, और पीक पावर 20.4 PS एट द रेट 6100 RPM। और इसका सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो 2-लेवल सिंगल सीट दिया गया है राइडर के लिए, इस तरीके से आप देखेंगे तो स्टिचिंग वर्क के साथ आ जाता है, पीछे का सेक्शन थोड़ा नैरो बैक रेस्ट के साथ। और इसका मीटर कंसोल सेमी डिजिटल में इस तरीके से दिया गया है, ये आ जाता है इसका स्पीडोमीटर, और डिजिटल में देखेंगे तो ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, गियर, क्लॉक, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है। इंडिकेटर वगैरह देखेंगे तो साइड इंडिकेटर देखेंगे यहाँ से, न्यूट्रल, माल फंक्शन यहाँ से मिलता है। और स्विचेज में लेफ्ट साइड में 4 स्विच दिए गए हैं, फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेक कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये आ जाता है पासिंग के लिए यहाँ से, और ये हाई लो बीम के लिए। साइड इंडिकेटर, हॉर्न, राइट साइड में 2 स्विच मिलते हैं, रोटेटरी में ये मिलेगा आपको, ये किल स्विच मिल जाता है, और ये पार्किंग लाइट के लिए। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 जो है आपको सिंगल टोन कलर में, 3 जो है आपको डुअल टोन कलर में मिलेंगे। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है 13 लीटर का, और इसमें टॉप स्पीड आपको 120 किलोमीटर पर आवर का मिल जाता है, और माइलेज देखेंगे तो आपको अप्रोक्स 38 के आसपास मिलेगा। और इसका प्राइस आ जाता है 1,88,000, ये दिल्ली का ऑन रोड प्राइस है, अदर स्टेट में थोड़ा वेरी कर सकता है। और यहाँ का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्दर क्वेरी आप कॉल करके या विजिट करके कर सकते हैं। थैंक्स, बाय बाय।